नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 106 लोगों की मौत, 56 घायल। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द किया। सभी विशेष रेलगाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 77% हुई। अब तक 6,480 लोगों को उपचार के बाद दी गई छुट्टी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 106 लोगों की मौत हो गई, जबकि 56 अन्य घायल हो गए। मृतकों में अधिकतर किसान हैं, जो खेतों में काम कर रहे थे। गोपालगंज में सबसे अधिक 14 लोगों की मौत हुई है। पूर्णिया में 9, नवादा, मधुबनी, भागलपुर और औरंगाबाद में 8-8, सीवान में 7 तथा पूर्वी चंपारण, दरभंगा और बांका में 5-5 लोगों की मौत की खबर है। इसी तरह खगड़िया और जमुई में 3-3 तथा पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, किशनगंज, जहानाबाद, सीतामढ़ी, सुपौल, कैमूर और बक्सर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। शेखपुरा, शिवहर, सारण, मधेपुरा, सहरसा और अररिया में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली गिरने की घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार तत्परता के साथ राहत कार्य में लगी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार नेपाल की तराई से सटे क्षेत्र तथा उत्तर और मध्य बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज और कटिहार जिलों को रेड जोन में रखा गया है। विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी युक्त हवा के कारण भारी बारिश की स्थितियां बनी हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक किशनगंज में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चरधरिया और अररिया में 90-90 मिलीमीटर, बगहा और मुसहरी में 80-80 मिलीमीटर तथा बहादुरगंज, मोतिहारी और रामनगर में 70-70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि अधिकतर जिलों में कल से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और समस्तीपुर जिले में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। बारिश के समय खुले स्थानों में नहीं निकलने तथा खेतों में काम नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही विभाग ने लोगों से अपने स्मार्टफोन में इंद्र वज्र मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। यह ऐप लोगों को 20 किलोमीटर की परिधि में वज्रपात होने की स्थिति में 40 से 45 मिनट पूर्व चेतावनी भेजता है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। हालांकि अधिकतर नदियां अभी भी खतरे के निशान से नीचे है और सभी तटबंध सुरक्षित हैं। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के ढेंग में खतरे के निशान को पार कर गई है। मुजफ्फरपुर में बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक लाल निशान से नीचे है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के जयनगर में लाल निशान के आसपास पहुंच गया है। वहीं समस्तीपुर जिले से गुजरने वाली सभी नदियां लाल निशान से नीचे बनी हुई हैं। इस बीच पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर बराज से गंडक नदी में 83,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे गंडक की सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं सुपौल के भीमनगर में कोसी बराज से 1,25,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया, जिससे जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। परंतु 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल मेल, एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी।
1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी। प्रदेश में कोविड 19 संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर बढ़कर 77% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 374 लोगों को एक साथ उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 6480 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य में मृत्यु दर मात्र 0.67% है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में जो भी मामले सामने आए हैं उसमें 85% पुरुष और 15% महिलाएं हैं। 21 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सबसे अधिक 60% मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मात्र 8% मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं जबकि 92% मरीज बिना लक्षण वाले हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमित मरीजों में 91% मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से जबकि 9% मरीज शहरी क्षेत्रों से हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूरे देश में प्रति 10 लाख लोगों में 325 पॉजिटिव मामले पाए जा रहे हैं जबकि बिहार में यह औसत मात्र 67 है। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 215 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि संक्रमितों की संख्या 8488 हो गई है। उन्होंने बताया कि नए मामलों में सबसे अधिक 28 मुजफ्फरपुर से सामने आए हैं। इसके अलावा पटना से 15, पूर्णिया से 14, पश्चिम चंपारण से 13, सुपौल से 12, लखीसराय और नवादा से 11-11 तथा बेगूसराय से 10 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह सिवान और दरभंगा से 9-9, जमुई तथा औरंगाबाद से 8-8, पूर्वी चंपारण और भागलपुर से 7-7, मधुबनी, मधेपुरा और रोहतास से 6-6 तथा गोपालगंज और बक्सर से 5-5 मामले सामने आए हैं। किशनगंज और सहरसा में 3-3, जहानाबाद और कटिहार में 2-2 तथा नालंदा, वैशाली, अरवल, खगड़िया, बांका, भोजपुर, मुंगेर, सारण और शेखपुरा में 1-1 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1951 है जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। श्री सिंह पिछले दिनों कोविड 19 संक्रमित हो गए थे। अभी उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा है। पटना में एक सर्राफा व्यवसायी की कोविड 19 से हुई मौत के बाद पटना में आभूषण दुकानदारों ने आज से अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने 4 जुलाई तक दुकानों को बंद रखने का फैसला किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,90,401 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 2,85,637 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 15,301 हो गई है। नई दिल्ली स्थित गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर में स्वयं को आइसोलेट करना और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर परिवार का इकलौता सदस्य है जो कि कोरोना से संक्रमित है तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो इस तरह के रूम में अपने आप को आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था हो। अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है तो यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 5 जुलाई को होने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी स्थगित हो गई है। सीटीईटी के निदेशक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से लौटे कामगारों के लिए सभी जिलों में काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित डीआरसीसी भवन में काउंसलिंग होगी। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग से कामगारों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रदेश में सार्वजनिक बैंकों ने कॉम्फेड से जुड़े दुग्ध उत्पादकों और किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेने के लिए आवेदन मांगा है। कॉम्फेड के तहत प्रदेश में 12.5 लाख किसान निबंधित हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने आज पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। इसमें चुनाव तैयारियों, आचार संहिता, मतदान केन्द्रों के गठन और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चर्चा होने की संभावना है। बक्सर के पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा ने जिले के चार पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि हत्या के एक विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए पटना भेजा गया, जहां ये सभी कैदी के साथ एक होटल में रुके। इसी क्रम में कैदी होटल से फरार हो गया। पटना उच्च न्यायालय ने पटना, जहानाबाद और गया के जिलाधिकारी को पटना गया राष्ट्रीय उच्च पथ की खराब स्थिति का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। इस दौरान एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 28 जून तक निर्धारित थी। प्रदेश में टिड्डियों का एक छोटा दल प्रवेश कर गया है। रोहतास और बक्सर जिले के कई गांवों में इस दल ने फसलों को क्षति पहुंचाई है। टिड्डी दल के हमले को देखते हुए कृषि विभाग ने कैमूर, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, सारण, भोजपुर, गया, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अलर्ट जारी किया है। कृषि सचिव एन सरवण कुमार ने पौधा संरक्षण निदेशालय के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, साथ ही अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलने का निर्देश दिया है। भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र के कुसुमा गांव में रसोई गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट में 3 बहनों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। वहीं खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जाहनवी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के पलट जाने से 3 भाई बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमपट्टी स्थित घोबी नाला में 3 बच्चियों की मछली पकड़ने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से डूबकर मौत हो गई। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे 6 शिक्षकों के खिलाफ निगरानी जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कल वज्रपात से भी मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, बिहार में कुदरत का कहर, उत्तर बिहार, चंपारण और मिथिलांचल में अधिक मौतें। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधान परिषद की द्विवार्षिक चुनाव में निर्विरोध जीतेंगे सभी 9 उम्मीदवार। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रकाशित करते हुए लिखता है, हर हाल में 15 तक बांटे राशन कार्ड। दैनिक भास्कर अमरीकी विदेश मंत्री के हवाले से लिखता है, भारत को चीन से खतरा, हम अपनी सेना यूरोप से हटा एशिया भेज रहे हैं। आज ने जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, डोप के दाग से मुक्त भारोत्तोलक संजीता चानू को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 106 लोगों की मौत, 56 घायल। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द किया। सभी विशेष रेलगाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 77% हुई। अब तक 6,480 लोगों को उपचार के बाद दी गई छुट्टी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।